वो छोटा बड़ा ही इज माई ड्राइवर ही इज माई कोक ये हमारा बॉस है ये मेरी माँ है ये मेरी बीवी है मेरा बच्चा है ये मेरे से उम्र में बड़ा है ये उम्र से छोटा है ये सारी बातें इतने जन्मों जन्म से यहाँ भरी हुई है मेरे अंदर वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो आ जाता है आ, वो आ जाता है क्योंकि बहुत समय से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है वो सच भी है कि कोई हमसे बड़ा है कोई हमसे छोटा है सच है कोई हमसे उम्र में बड़ा है छोटा है वो भी सच है कोई कोई में में बड़ा है, है, कोई में बड़ा है, 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 है। छोटा छोटा रिश्ते वो सच इम्पोर्टेंट वेन दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज एस ए लवली पॉइंट When that becomes my identity, yes. मतलब मतलब एज एन एक्टर अगर मैं कोई डाकू का रोल कर रहा हूँ घर पे आके भी डाकू बनता रहूसरीफुल्स yes. तेरी आइडेंटिटी तो yes. I mean, so ना आप मालिक हैं एक आपके यहाँ कोई ड्राइवर है दिस इज अ फैक्ट दिस इज द ट्रूथ नो बडी कैन डिनाई दैट दिस इज द ट्रूथ लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं या उसके साथ व्यवहार में आते हैं अगर ये रोल्स जो हम प्ले कर रहे हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए तो वो हमारी सोच बोल और व्यवहार पे फर्क डाल देगी सही बात एक होता है कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कि ये ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है मैं मालिक का रोल प्ले कर रहा हूँ फिर आप कहीं जाएंगे कोई और आपसे पोजीशन में बड़ा होगा आप किसी से छोटे होंगे वो भी हो सकता है तो हर जगह हम अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं लेकिन जब हमारा रोल हमारी आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस बन जाती है तो हमारी सोच और व्यवहार में बहुत फ़र्क आ जाता है एंड दैट्स वाई दैट ट्रू आइडेंटिटी द कॉन्शियसनेस में रहे कि हुए माये बहुत सारी चेन पे उसका फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम सारा दिन में अपने इस इनर प्रोसेस को देखें तब हमें समझ में आएगा कि ट्रू आइडेंटिटी पता होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एवरी थॉट वी क्रिएट सारा दिन में अब देखो जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करेंगे इमिजिएटली जो सेकेंड चीज फॉलो होगी वट दैट बी बोलो बहुत गर्मी है हाँ, ठीक है तो दिस इज अ थॉट तो जैसे ही एक थॉट क्रिएट की सेकंड चीज क्या फॉलो होगी व्यवहार में व्यवहार में, में आएगा लेकिन बीच में एक स्टेज मिस हुई है क्या पहले एक थॉट क्रिएट होती है जैसी थॉट क्रिएट होती है वैसा आप फील करते हैं ओके okay. सपोज आप किसी से मिलते हैं आप एक थॉट क्रिएट करते हैं वंडरफुल पर्सन hmm. जैसी थॉट क्रिएट की वंडरफुल पर्सन

इट विल फर्स्ट द माइंड विल फर्स्ट क्रिएट अ थॉट आपके सामने कोई खाने की चीज आई आप एक थॉट क्रिएट करते हैं पहले उसके बारे में फिर अच्छा फील होता है वाह आइसक्रीम है यू फील नाइस nice. पुराना टेस्ट याद आता है फिर। हाँ वो रीजन हम देखेंगे क्यों वो हो रहा है लेकिन थॉट जो क्रिएट करेंगे वो फील होगा फिर इसीलिए कई बार हम अपने आप को थॉट लेवल पर नहीं चेक कर पाते हम फीलिंग लेवल पर चेक करते हैं हाउ एम माई फीलिंग टूडे

देखे ना इनर वर्क पे हमें अब अटेंशन चाहिए ताकि सब कुछ हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट चले जैसी थॉट वैसी फीलिंग अब जैसी फीलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है किसी के प्रति हमने बार बार वही थॉट क्रिएट किए वैसा ही फील किया उनके बारे में तो हमारा एक जनरल एटीट्यूड उनके बारे में क्या हो जाएगा ये है ही ऐसे या ये है ही ऐसे बहुत अच्छे दिस इज माई एटीट्यूड नाउ सो थॉट फीलिंग एटीट्यूड ये इनर प्रोसेस है ये अंदर हो रहा है बाहर नहीं दिख रहा किसी को डिपेंडिंग ऑन ये तीन स्टेजेस जो अंदर हुई थॉट फीलिंग एटीट्यूड फिर आप व्यवहार में आएंगे थॉट फीलिंग एटीट्यूड अंदर बन गया ये बाहर नहीं दिखता इसको हम कहेंगे संकल्प hmm. संकल्प उससे कैसे हमने महसूस किया और क्या हमारी वृत्ति बनी एटीट्यूड हमारा बना उस एटीट्यूड से हमारा नजरिया दृष्टि भी बनती है पर्सपेक्टिव फिर हम व्यवहार में आते हैं व्यवहार में बहुत बाद में आ रहे हैं तीन चार चीज़ें अंदर हो चुकी हैं सारे थॉट फीलिंग एटीट्यूड पर्सपेक्टिव सब यहाँ हो गया फिर व्यवहार में आए टाइम बीता बीच में पहली चार स्टेजेस के बारे में हम कई बार अवेयर ही नहीं होते हम सिर्फ कौन सी स्टेज को देख रहे होते हैं मैंने कैसा व्यवहार किया अब अगर मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है तो मुझे ये इनिशियल स्टेजेस पर चेंज करना पड़ेगा व्यवहार में चेंज नहीं आ सकता नहीं तो समझो मुझे अभी गुस्सा आया हा? तो मैं सोचूं कि क्या सोच मैं मुझे ये देखना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या थॉट किया था yes. उसके बाद क्या उसके थॉट के रिएक्शन फील हुआ पूरी yes. बॉडी में फीलिंग आई yes. उसके बाद फिर मेरे बुक से निकला निकलेटली काफी लंबी स्टेज मतलब है ना मतलब में फास्ट होता है फास्ट हो गया थॉट क्रिएट yes. बिना तो बिहेवियर में नहीं आएगा नहीं आ सकता है बहुत सारी थॉट क्रिएट हो जाती है बिहेवियर में भी नहीं आती लेकिन जो भी बिहेवियर में आ रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट बीज है वो हमारा थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन ये पूरी हमारी अंदर की फैक्ट्री है कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है हुए माए और वो आय के अंदर सारा दिन क्या हो रहा है अगर हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो हम अपनी फैक्ट्री का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे और हम इस फैक्ट्री से निकलता हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे अगर कोई मालिक कहे कि मेरी फैक्ट्री से ये निकल रहा है सामने वाला कहे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है कहीं क्या करूँ मुझे तो पता नहीं है तो अपने आप निकलता जा रहा है आज हमारे बोल अपने आप निकल रहे हैं हमारे एक्शंस अपने आप हो रहे हैं कई किसी का हाथ अपने आप उठ रहा है किसी मुंह से अपने आप निकल रहा है ये जो अपने आप प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं दिस इज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इनर प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड सो नाउ लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप थॉट फीलिंग attitude, perspective, nazariya, action. Action means word or behavior. Anything action. अब कोई भी चीज अगर action में आ गई फिर कोई action हमने बार बार repeat किया तो वो हमारी बन गई आदत संस्कार habit, आदत बन गई तो आदत भी कहाँ से बनी Starting from thought. Thought. अगर thought में नहीं आती तो आदत में नहीं आएगी आदत को बदलना है कहाँ बदलना पड़ेगा चेंज एट द लेवल ऑफ थाट अब वी हैव सो मेनी हैबिट्स सारी हमारी आदतों का जो पैकेज है उसको हम कहेंगे इनकी पर्सनैलिटी ये ये व्यक्तित्व है व्यक्तित्व इज अ पैकेट ऑफ ऑल माई हैबिट्स दिस इज द सम टोटल हु एम आई दिस इज माई पर्सनैलिटी कहाँ से बनी पर्सनैलिटी थॉट अब ये पर्सनैलिटी हर स्टेप पे कर्म में जा रही है नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन रिपीटेड हैबिट 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 कर्म ऑल माय हैबिट्स पुट टुगेदर पर्सनालिटी अब ये पर्सनालिटी सारा दिन में इतना कुछ कर रही है नेक्स्ट स्टेज क्या बन रही होगी मेरा फ्यूचर मेरा फ्यूचर विच मीन्स माय डेस्टिनी मेरा फ्यूचर क्योंकि मेरा कर्म मेरी पर्सनालिटी मेरा फ्यूचर मेरा फ्यूचर मतलब मेरा भविष्य तो थॉट्स से लेके सीधा डेस्टिनी तक जैसे लेके सारे का मैं पता नहीं सा सीधा नीचे से लेके ऊपर अगर शुरू का नोट ठीक नहीं रहा हाँ तो पूरा एंड तक साफ बराबर नहीं आएगा अब अगर डेस्टिनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं पर्सनालिटी में कुछ चेंज करना चाहते तो आपको अपना प्रॉपर सार को ठीक करो तो ऊपर का सा भी 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 बीज रे ठीक आएगा आएगा ग म ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक आ जाएगा आज हम अपनी डेस्टिनी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो भी हम बाहर कर रहे हैं कि डेस्टिनी मेरी कैसे बदल जाए मैं क्या पहनूं घर में क्या टांगूं क्या लटकाऊं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी डेस्टिनी बदल जाए मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए मेरी आदतें बदल जाए आदतों को भी हम बाह्य लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं लाइक न्यू ईयर डे है बर्थडे है आज से आई विल डू दिस थोड़े दिन के बाद इट विल गो बैक टू द सेम न्यू ईयर से कर लेंगे वेरी रिसेंटली आफ्टर लास्ट रिसे थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तो फिफ्थ जनवरी को न्यूज uh, पेपर में एक आर्टिकल आया था फर्स्ट पेज पे वो आर्टिकल एक इंटरव्यू था उन लोगों का जो सिगरेट और टबैको बेचते हैं वेंडर्स hmm. तो, जो है तो उनका आर्टिकल था तो उन्होंने कहा हर साल साल के पहले पांच और छ दिन हमारा जो बिजनेस है वो तो बिल्कुल है। डिक्लाइन हो जाता है कहते है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि छह सात तारीख तक डबल हो जाएगा सारे वापस आ जाएंगे दिस इज दिस इज हाउ मच पावर वी हैव ऑन चेंजिंग आर हैबिट अगर हम उसको बाहर के लेवल पर करेंगे सिर्फ कि आज से मुझे ये नहीं करना है उसके पीछे की कॉन्शियसनेस क्या थी थॉट क्या थी अंडरस्टैंडिंग क्या थी एटीट्यूड क्या बनाया उसको नहीं चेंज किया सिर्फ हैबिट पर एक्सटर्नली वर्क किया पुरानी आदतों पर वापस चले जाएंगे तो डेस्टिनी पर्सनालिटी, हैबिट व्यक्तित्व बात करने का तरीका एक्शन कर्म सब को बाहर नहीं चेंज करना इनसाइड अब इनर स्टेज पे अगर एक भी स्टेज पे अगर गलती हो गई तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा if I keep this formula in front of me, my thought leads to my best. कितने भविष्य बना रही है घंटों घंटों डेली लोग सारे जब गाना सीखते लेके बैठे रहते yes. yes. नीचे नहीं आते अभी हमने क्या सोचा था हम एक्चुअली ऊपर से नीचे जा रहे हैं जीवन में हम क्या कहते हैं भाग्य अच्छा होगा मतलब भाग्य अच्छा होगा मेरे साथ सब अच्छा होगा तब मुझे अच्छा फील होगा आई विल फील गुड अबाउट माय लाइफ हमने सोचा अगर भाग्य अच्छा तो सोच अच्छी तो प्रोसेस प्लांट में वी वर ट्राइंग टू गो बैकवर्ड्स ट्रुथ इज सोच अच्छी तो भाग्य अच्छा सोच अच्छी तो फिर कर्म अच्छे पे कर्म अच्छे तो भाग्य अच्छा।, अच्छा तो वी हैव टू गो इन द राइट ऑर्डर तो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारी हर सोच कितनी प्योर और डिवाइन हो ताकि हमारा भाग्य वैसा बने अब जैसे आपने कहा हमारी सोच भी किस आधार से बनती है करेक्ट राइट right? क्योंकि सोच भी एक एनर्जी है जो हमने क्रिएट की एवरी थॉट वी क्रिएट इज एनर्जी तो वो एनर्जी का भी सोर्स क्या है तो वो सोच के तीन फैक्टर्स है जिसको हम कहेंगे तीन क्राइटेरिया किस बेसिस पर हमारी वो सोच क्रिएट होगी क्योंकि कई बार हम अपनी थाट्स को चेंज करना चाहते हैं इन अ लॉट ऑफ पीपल वे आर डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस दुनिया में भी लोग किसी भी बात के लिए कहते पॉजिटिव सोचो ना पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव कैसे सोचो बात ही ऐसी थी मुझे चिंता तो होनी थी बात ही ऐसी थी डर तो लगना ही था पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं इसमें इसका मतलब थाट लेवल पर भी चेंज ऐसे नहीं आ सकता जब तक थाट से भी हम थोड़ा सा पीछे नहीं जाएंगे कि थॉट क्रिएट करने का भी क्राइटेरिया कौन तीन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन hmm. जो आपने कहा कि पेरेंट्स कुछ कह रहे थे छोटे बच्चे ने सेम बात कहने शुरू कर दी तो उसने थॉट कहाँ क्रिएट की कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो उसको पेरेंट्स से बच्चे को मिली oh. इन्फॉर्मेशन भी मिली उनका एटीट्यूड भी देखा इन्फॉर्मेशन एटीट्यूड भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना इन्फॉर्मेशन hmm. सिर्फ वो नहीं होता जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं इन्फॉर्मेशन मींस हर चीज जो हम अंदर लेते हैं ये हर चीज जो हम अंदर ले रहे हैं अपनी इन सारी कर्म इंद्रियों के द्वारा इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी वाइब्रेशन जो हम अंदर ले रहे हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बनेगी अगर मुझे आपसे अभी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हो hmm. आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है आई एम कंज्यूमिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन एंड आई विल क्रिएट अगेटिव था इंफॉर्मेशन जो हम अंदर लेते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारी सोच का तो जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हम मीडिया से क्या लेते हैं hmm. हम पढ़ते क्या हैं हम देखते क्या है हम सोशल मीडिया पे देखते क्या है दिस अ वेरी ऑल्सो सेलफोन्स हैं लोग हैं अखबार है एवरी थिंग इन्फॉर्मेशन तो जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन वैसे मेरी सोच mm -hmm. इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आती है कि सुबह सुबह हम अपने अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते हैं अच्छा सुबह सुबह क्योंकि जो हम अंदर भरेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उसी से हमारी थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी तो कहाँ हम पहले अखबार पढ़ते थे या आजकल लोग न्यूज़ चैनल भी ऑन कर देते हैं तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है उसमें अगर वायलेंस है टेरर है पेन है डिवेस्टेशन है अटैक्स है नेचुरल कलामिटीज़ है एक्सीडेंट है पॉलिटिकल केओस है फाइनेंशियल क्राइसिस है न्यूज वही दिखा रही है ज्यादा और हमने अंदर भर लिया सुबह 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 थे ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन था ग्रहण करने की शक्ति हाईएस्ट थी इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर भरती है so मैं लोगों को देखता हूँ सुबह उठ के न्यूज पेपर एंड सिगरेट टूगेदर एक तो यहाँ मन को भी भर रहे हैं लंग्स को भी भर रहे हैं hmm. बाहर के वातावरण को भी खराब कर रहे हैं

यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ ये भी एक न्यूज़ है बट इसको अगर हम अखबार में पढ़ेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा और उसी को अगर हम विजुअली देखेंगे और साउंड भी एंड पूरा जो इमोशंस का हमें मिलता है ना वाइब्रेशन कोई रो रहा है कोई चिल्ला रहा है न्यूज़पेपर से वो नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर hmm. से सिर्फ क्या मिलेगा सो मेनी सो मैनी पीपल अफेक्टेड सो मैनी पीपल लॉस्ट लाइफ सो मैनी पीपल एक्सीडेंट सो मैनी पीपल इंजर्ड लेकिन टीवी पर जब उसको देखेंगे वो इंजरी एक्चुअली दिखेगी वो डेड बॉडीज दिखेगी रोते ना वी फील के ये नॉर्मल है मतलब टीवी है देखेंगे अर्ली मॉर्निंग भरा है अपने आपको एंड hmm. जैसी इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स ये हमारा भोजन है सुबह का इसके बेसिस पे सारा दिन की ऊर्जा निर्माणित होगी तो सुबह सुबह कौन सा भोजन अंदर डालेंगे hmm. दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लगना है hmm. हमें जानना भी है हम देखना चाहते हैं तो देखना भी है सुबह 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 कुछ अच्छा नहीं भरेंगे तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कह रहे हैं वो होगी कैसे फिर देन वी कान अदर थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव It's not going to to happen. Where is the positive information, raw material that's gone in? So we need to be very careful statistics है इस पर, किसी और शहर में किसी और देश में हुआ scene, कुछ hmm. हुआ hmm. Which was a big trauma, लेकिन उसका असर सामने viewer के ऊपर उतने दर्द का हो सकता है जैसे मूवी देखते हैं तो लोग रोते हैं ना hmm. लोग रो सकते हैं ना उस सीन को देखते हुए उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट उतना होता है कि वो सीन देखने वाले के अंदर वो सेम इमोशन क्रिएट कर देती है सही बात है तो यहाँ इमोशन क्रिएट हो गया पहले बट यू डोंट मोमेंट You, create. you have created that emotion. We have created that emotion here. Now that scene is not there. It's here. वो अब मेरी सोच का फिर मेरी फीलिंग का फिर धीरे धीरे मेरे एटीट्यूड का मेरे कर्म का मेरा भाग्य का हिस्सा बन सकती है क्योंकि वी हैव नॉट लर्न के डिटैच होकर कैसे उसको देखना है हम मूवी के सीन के अनुसार रोते हैं हंसते हैं डरते हैं सब कुछ सीन के अनुसार हम करते हैं मतलब हमारा इमोशन सीन के इमोशन के साथ जुड़ गया कितना इम्पैक्ट है ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्शियसनेस इन साइड वी नीड टू बी सो केयरफुल सो केयरफुल एक एक इंटरव्यू था पैनल डिस्कशन था तो उसमें कुछ टीवी सीरियल्स जो बनाते थे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी थे तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आप जो दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है ज्यादा यू नो लाइक सपोज डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और एनीथिंग कि जो हिंदी सीरियल में आप टीवी पे दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है तो उन्होंने वहां से कहा हम वो दिखाते हैं जो समाज में, होता जो समाज है. में हो रहा है सो नाउ इट वॉज विच वे इज ट्रू कि जो समाज में हो रहा है वो वो दिखा रहे हैं या जो वो दिखा रहे हैं वो, वो समाज हो है। में हो रहा है तो फाइनल जब डिस्कशन पूरा हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये कि समाज में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ परसेंटेज में वो होता है उसको हम उठाते हैं और हम एक सीरियल या एक मूवी बनाते हैं उसको करोड़ों लोग जब देखते हैं तो वो कई लाखों के जीवन में होने लग जाता है पहले वो कुछ लोगों के जीवन में हो रहा होता है मैं एक जगह पढ़ रहा था सिस्टर के एक नेगेटिव और वायलेंट थॉट एक आदमी क्रिएट करता है तो जो वीकर ब्रेन कह उसने तो किताब में तो वीकर ब्रेन लिखा हम दूसरा बंदा उसको तुरंत कैच करता, करता है कैच करता है कैच करता है फिर तीसरा फिर चौथा फिर मॉब वायलेंस और जो सड़कों पे जो होता है वायलेंट लोग हो गए लाठी वो

तो वीकर माइंड को मुझे अब क्या बनाना है स्ट्रांगर माइंड बनाना है स्ट्रांगर माइंड इसलिए बनाना है ताकि दूसरे की वाइब्रेशन मुझ पर प्रभाव ना डाले अब स्ट्रोंगर माइंड बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन फिर सारा दिन कौन सी डालनी है फिर बेटर प्योर पावरफुल पॉजिटिव स्ट्रोंगर इन्फॉर्मेशन जो मुझे पावरफुल बनाए वो इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फर्स्ट चेंज लाने के लिए थॉट पे हमें चेंज लाना है फर्स्ट चेंज हम करते हैं कि सुबह कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं भरनी दिन में भी बहुत ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है लेकिन सुबह सुबह नेगेटिव कुछ नहीं भरना लेकिन नेगेटिव तो बंद किया जैसे बहुत सारे भाई बहने कहते हैं अच्छा हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया हमने टीवी चैनल सुबह नहीं देखते हैं सोचना है नेगेटिव सोचने को हमें चेंज करना है लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बंद किया तो क्योंकि प्योर इन्फॉर्मेशन डाला आप घर पे बैठे हैं आपने टीवी देखना बंद किया सुबह अखबार पढ़ना भी बंद किया लेकिन उसकी जगह डाला कुछ और नहीं टू बी डन इफ आई वांट अ प्योर आई विल हैव टू फिल माय सेल्फ विद प्योर इंफॉर्मेशन तो अगर हमें ये छोटा सा परिवर्तन भी लाना है तो हमें दिन की शुरुआत को जिसके लिए हम कहते हैं ज्ञान डिइन नॉलेज डिवाइन संस्कार चाहिए ना तो डिवाइन नॉलेज हम अपने अंदर भरे तो इन्फॉर्मेशन विल इन्फ्लुएंस थाट्स सेकेंड चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो है पास्ट एक्सपीरियंसिस पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर hmm. जब सेकेंड टाइम स्टिम्युलस सामने आएगा तो उस स्टिम्युलस के सामने जो मेरी पास्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उसके आधार से थॉट क्रिएट हो जाएगी मेमोरी बैंक में भरा पड़ा मेमोरी बैंक में भरा पड़ा है इसीलिए मेमोरी बैंक भी बहुत ध्यान से क्या उसमें स्टोर हो रहा है नहीं तो क्या होगा जो पास्ट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है हर बार जब स्टिम्युलस आएगा सेम क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट होती जाएगी एंड वी विल मेक द पास्ट इन टू आर प्रजेंट एंड देन इन टू आर फ्यूचर बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पास्ट में किसी के साथ कुछ बात हुई हमने हर्ट क्रिएट की नेक्स्ट टाइम हम उनको मिलने से पहले ही पहले ही एक थॉट क्रिएट कर लेंगे इस बार पता नहीं क्या होगा जब उनसे मिलेंगे पास्ट एक्सपीरियंस तो इन्फॉर्मेशन हुई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माय बिलीफ सिस्टम हम क्या बिलीव करते हैं क्या हम मानते हैं जैसे हमने कई बार देखा है एंगर इज़ नेचुरल टेंशन तो होती है ये हमारा बिलीफ सिस्टम था तो अगर मेरे को लगता है कि गुस्सा तो नेचुरल है ये मेरा बिलीफ है तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो मेरी सोच कौन सी क्रिएट होगी जो जो है जो है तो बिहेवियर में क्या आएगा और वही मेरी डेस्टिनी बन जाएगी अब अगर हमने अपनी बिलीफ को चेंज किया कि नहीं गुस्सा तो अननेसेसरी है तकलीफ देता है बहुत सबको पेशेंस मुझे, मुझे मुझे यस yes. अब मैंने अपने बिलीफ को चेंज करना है हैबिट को नहीं चेंज कर सकते पहले हम क्या करते थे हैबिट को चेंज करते थे हमें दुनिया में सिखाया जाता था एक से दस गिनो गुस्सा टल जाएगा पानी पी लो बीच में गुस्सा टल जाएगा कहाँ टलता था पूरा गुस्सा आ गया करके फिर एक से दस याद आता था फिर पानी याद आता था बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डू इट एट द लेवल ऑफ हैबिट बिलीफ सिस्टम को चेंज करना था कि नहीं पेशेंस इज़ नेचुरल पीस अच्छी लगती है हरेक को संस्कार हरेक की अलग अलग है अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया परिस्थिति आई सोच बदली कर्म बदला भाग्य बदल गया अब बिलीफ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है वो है हो एम आई मैं कौन हो वो आंसर उस बिलीफ का हमारी सोच बनेगी हमारी फीलिंग हमारा व्यवहार हमारे संस्कार हमारा भाग्य इसीलिए हो एम आई का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हो एम आई फिल इन द ब्लैंक में कोई रॉन्ग आंसर लिख दिया जो सच नहीं है तो उसका असर भाग्य तक जाएगा एंड दैट्स वी नाउ नीड टू फाइंड आइडेंटिटी दैट हो एम आई दैट्स दैट अगले एपिसोड में हो एम आई को कंटिन्यू करते हैं Thank Thank you. You. Om shanti, om shanti. Is followed by a feeling. Feelings over a period of time develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny. If we try to bring a change in our habits, personality, or destiny on an outer level, then there are chances that we revert to our old self. Change needs to be created in the consciousness, thoughts, and attitude, and then brought into habit. The quality of thoughts is based. On three input factors information, past experiences, and belief system. Everything we read and hear through media and people influences the quality of our thoughts. Let us avoid reading and watching negative news early morning. Past experiences, if stored, Unresolved in the memory will push us into creating the same quality thoughts always. We will think and behave with people based on unpleasant past experiences with them, which will create a negative present and future. If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening at pmtv.in or call us on 099 99 660.